दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दुबई प्रिंसेस शेखा मेहरा की बड़ी बहन शेखा लतीफा के लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। आपने शेखा मेहरा के लाइफस्टाइल के बारे में तो जान लिया कि कैसे वो हर दिन अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। मगर जितनी दौलत शेखा मेहरा के पास मौजूद है उससे कई गुना ज्यादा तो शेखा लतीफा की नेटवर्थ है। मगर इतनी नेटवर्थ होने के बावजूद भी शेखा लतीफा का लाइफस्टाइल शेखा मेहरा से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों शेखा लतीफा भी दुबई रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी है, मगर इन दोनों प्रिंसेस की मदर्स अलग अलग है, क्योंकि आपको पता होगा कि दुबई रूलर ने 6 शादियां कर रखी हैं। और दोस्तों इस प्रिंसेस का पूरा नाम लतीफा बिनते मोहम्मद अल मखदूम है और ये शहजादी 25 दिसंबर 1985 को दुबई में पैदा हुई। इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम दुबई स्कूल से ही हासिल की और बाद में आला तालीम के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गयी। और जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस दुबई आई तो वापस आने के बाद इन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर दुबई की वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों अब ये शहजादी दुबई काउंसिल की एक मेंबर हैं और उसके अलावा दुबई कल्चर की चेयर पर्सन है। मगर इंटरनेट की दुनिया में ये दुबई की प्रिंसेस के तौर पर सबसे ज्यादा फेमस है, इसीलिए तो इनके इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसी से आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये शहजादी अब तक बहुत सारे इंटरनेशनल और लोकल इवेंट्स अटेंड कर चुकी हैं, जिनमें से हाल ही में अटेंड की गई एक मीटिंग के दौरान इन्होंने अपने फादर के साथ एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और उसके कैप्शन में इन्होंने लिखकर बताया कि अब तक वो अपने फादर के साथ मिलकर 100 मुल्कों में से 102 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुकी हैं और अब इस मीटिंग में वो इस फंड को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और इसी तरह शहजादी अपने कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए गूगल के चेयर पर्सन से भी मुलाकात कर चुकी हैं और इसके अलावा वो और भी बहुत सारी कंट्रीज में विजिट कर चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर वो अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट करती हैं, क्योंकि वो दुबई कल्चर की चेयर पर्सन है और कल्चर को प्रमोट करने के अलावा वो आपसी ताल्लुकात भी बेहतर करती हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में एक साथ मिलकर आगे तरक्की करी जा सके। और इन सब के अलावा वो बच्चों की तालीम के लिए भी स्कूलों और कॉलेजेस का भी विजिट करती रहती हैं और जायजा लेती रहती हैं। इसीलिए इनके इंस्टाग्राम पर आपको ज्यादातर इनकी मीटिंग्स की ही फोटोज नजर आएंगी। और अब बात करते हैं इस शहजादी की हॉबीज की। दोस्तों इस शहजादी को भी जानवरों में सबसे ज्यादा घोड़े ही पसंद है और इसीलिए इन्होंने भी दुनिया के महंगे तरीन घोड़े पाल रखे हैं। और अगर गाड़ियों की बात की जाए तो इनके पास भी मर्सिडीज AMG G63 जी वैगन मौजूद है और इसके अलावा शहजादी के पास लैम्बोर्गिनी फिरारी जैसी लग्जरी कारें भी मौजूद हैं। मगर शहजादी ज्यादातर जी वैगन में ही सफर करती हैं। और अब एक नज़र शहजादी की पर्सनल लाइफ पर भी डाल ली जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि शहजादी की शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड का नाम शेख फैसल सऊद बिन खालिद अल कसीमी है, जो कि दुबई के शहर शारजा के एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं। और अगर बात की जाए शेखा लतीफा की नेटवर्थ की तो एक अंदाजे के मुताबिक 14 बिलियन US डॉलर्स बताई जाती है। और इतनी नेटवर्थ होने के बावजूद भी शहजादी इंटरनेट पर आपको सिर्फ अपना काम करते हुए ही दिखाई देंगी। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको शेखा लतीफा का लाइफस्टाइल कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।